आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है मोल्स। हाय, आई एम डॉक्टर पीके तलवार, कॉस्मेटिक सर्जन न्यू दिल्ली। आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ, एंड प्रीवियसली आई वाज अटैच्ड टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स, एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 न्यू दिल्ली। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है मोल्स, क्योंकि इसके कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें मोल रिमूव कराना है, विच इज़ अ बेटर टेक्निक। तो हम लोग यूजली इसको लेज़र के द्वारा निकालते हैं मोल्स को। जो मोल होता है उस एरिए को, उसकी पेरीफेरी को, और उस जो हम लेज़र के द्वारा उसको जला देते हैं, उसको निकालते हैं। लेज़र से निकालने में एक फ़ायदा ये होता है कि जो हीट होती है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में नहीं जाती है और वहाँ पे स्कारिंग थोड़ी कम पड़ती है। ये जो टेक्निक होती है लेज़र से मोल निकालने की, इसमें हम मोल की गहराई तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब अगर वो मोल काफ़ी गहरा है, जो उसका जो जैसे नींव पड़ी हुई काफ़ी गहरी है, तो उसमें हल्का सा वहाँ गड्ढा या डिप्रेशन पड़ने की संभावना रहती है। अगर ऐसा होता है तो यूजली देखा गया है कि वो जो है डिप्रेशन है वो 2-3 महीने में भर जाता है, क्योंकि वो जो स्कार है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इन 3 डायमेंशंस। वो सराउंडिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे से ऊपर की ओर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से न भरे, तो हम लोग उसको फिर लेज़र के द्वारा उस जगह को भी हम थोड़ा समतल कर देते हैं। जैसे कि हम लोग पहले लेज़र प्लेनिंग करते थे, डर्मा ब्लेजन करते, उसी हिसाब से हम लोग इसको लेज़र के द्वारा जो है उसको प्लेन कर देते हैं। तो ये मोल्स के जो ट्रीटमेंट है आजकल, तो ये इसमें लेज़र का काफ़ी रोल आ गया है। और ये मैं ट्रीटमेंट जो है पिछले आई थिंक 97 या 98 में हमने जो लेज़र ली थी, तब से हम लोग पिछले 22 साल से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और पेशेंट आता है, मोल निकलवाए, उसी टाइम वो घर चला जाता है। तो ये इट इज़ ए ऑफिस प्रोसीजर, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है जैसे कि लोग समझते हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं लोग कि दोबारा तो नहीं होगा, तो हम ये पेशेंट को बताते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो हमने मोल निकाल दिया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी और जगह अगर मोल आ रहा है तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो ये कि चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। तो कई लोग RF से भी करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड टेक्निक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो भी प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है जो आपको सुझाव देते हैं, आप उसका पालन कीजिए और उसके अनुरूप आप अपने चेहरे को ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो मोल से संबंधित ये हमने आपको बड़ा एक ब्रीफ वो दिया है, छोटा सा हमारे पास एक वीडियो है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कैसे डरने वाली इसमें कोई बात नहीं होती है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।